आपने केरी की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह की स्वादिष्ट सब्जी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अगर आप भी ये रेसिपी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। और ख़ास बात तो ये है कि आप इस सब्जी को महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, अचार और चटनी की तरह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और टेस्ट भी एज इट इज़ रहेगा। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये कच्चे आम लिए हैं, जिन्हें हमारे यहाँ कैरी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्हें मैंने एकदम अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके जो डंठल है साइड के वो हमें हटा लेने हैं और इसके जो बीज है बीच में जो गुठली है उसे हम सब्जी में नहीं ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को सब्जी में आम की गुठली खाने में भी मज़ा आता है, तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कैरी को इस तरह से कट कर लेना है। गुठली कट नहीं होती है चाकू से आसानी से, इसलिए मैं ऊपर से इस तरह से कट कर रही हूँ। चारों तरफ से इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे हम इसे। आप कैरी को जिस भी साइज और शेप में कट करना चाहते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते हैं वैसे आप इसे कट कर सकते हैं। सभी कैरी हम इसी तरह से क्यूब्स में कट करके रख लेंगे। तो ये देखिए, कुछ ही देर में हमने ये सभी कैरियाँ कट कर ली है। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरी की सब्जी बनाना बहुत आसान है और काफ़ी कम टाइम में बन जाती है। सबसे पहले आपको गैस पर एक कढ़ाई लेनी है, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कच्ची घनी सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है और जब आपका तेल इस तरह से एकदम अच्छे से गर्म हो जाए, तेल में से भाप निकलने लग जाए, तब आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है या फिर आप बंद भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना ऐड कर लेंगे, साथ ही कलौंजी ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर राई दाल भी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, और 2 लौंग ऐड कर लेंगे, 1 तेज़पात ऐड करेंगे और चुटकी भर हींग आपको ऐड कर लेनी है। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सभी मसालों का सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। अगर आपने गैस की फ्लेम को ऑफ किया था तो ऑन कर लीजिए। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमने कैरी कट की हुई थी, वो कैरी आपको इस मसालों के साथ ऐड कर लेनी है। अब हम कैरी को भी इन मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। कुछ देर तक फ्राई कर लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक, जिससे कैरी जो है वो हल्की सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा सब्जी में। और लगभग 2 मिनट तक हमने कैरी को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, हल्का चेंज हो गया है। अब आपको इसमें ऐड करने हैं ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे और 2 टेबल स्पून यहाँ हम धनिया ऐड कर रहे हैं। सभी मसालों को सब्जी के साथ मिक्स कर लें। इसमें हम नमक भी ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ। नमक एक बार मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है बाद में, क्योंकि हम इसमें काला नमक भी ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ आपको काला नमक भी ऐड कर लेना है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। मैंने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम ये गुड़ लिया है। एक जो डली होती है गुड़ की वो ली है, जिसे हल्का सा क्रश करके ऐड किया है ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पर चीनी भी ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आप इसमें कम चीनी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम मीडियम जो सब्जी होती है ना उस हिसाब से मैंने इसमें मीठा डाला है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच मीठा ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। गुड़ और चीनी को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। पानी आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, जिससे चीनी और जो गुड़ हमने इसमें ऐड किया है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। और जब हम इस सब्जी को पकाएंगे तो इतना पानी लग ही जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि हम थोड़ी सूखी सूखी सब्जी बना रहे हैं, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है। अगर आप ग्रेवी वाली भी सब्जी बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद और मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे ढक करके पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर लेंगे और इसे ढक करके पका लेंगे। और कुछ देर पकाने के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में ये सब्जी, एकदम मुँह में पानी ला देने वाली। अब मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सब्जी है वो थोड़ी सी रह रखी है, अच्छे तरीके से नहीं पकी है।
अब हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे जिससे एकदम परफेक्ट तरीके से पक जाए। सब्जी को हम फिर से ढककर के पका लेंगे और प्लेट के ऊपर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे जिससे सब्जी जले ना और अच्छे से पक जाए। लगभग हाफ गिलास के करीब पानी इसमें ऐड किया है, ये पानी आपको सब्जी में ऐड नहीं करना है। और लगभग 2 मिनट तक पकाने के बाद प्लेट को हम हटा लेते हैं और आप इस सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। चीनी और गुड़ एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और कैरी भी एकदम अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ कैरी कितनी अच्छे तरीके से पक गई है, अंदर तक पक गई है। तो ये लीजिए दोस्तों, ये कैरी की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। और एक बार आप इस तरह से बना करके ये सब्जी खा लोगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाओगे और ये सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। ठंडी होने के बाद इस सब्जी का टेक्स्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हो गया है, बिल्कुल भी लिक्विड नहीं रही है, एकदम चटनी अचार की तरह थिक थिक हो गई है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहा है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इस सब्जी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है, आप इसे रोटी पराठे पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगी। साथ ही इस सब्जी को आप ट्रेवल में यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं थोड़ा लंबे समय का तो आप इस तरह से घर पर बना करके रख सकते हैं और ट्रेवल में यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगी और अच्छी भी लगेगी, बच्चों के टिफ़िन में ऐड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा बच्चों को। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आप इस चटपटी खट्टी मीठी टेस्टी सब्जी का मज़ा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।